मेरा नाम शिल्पी अरोड़ा है। सबसे पहले मैं कहूँगी मैं एक माँ हूँ, एक बिजनेस वुमेन हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पॉलिटिकल वर्कर हूँ और उत्तराखंड फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर चेयरपर्सन हूँ। हिंदुस्तान में हर आदमी प्रे करे कि मेरे घर में बेटी हो। एक बेटी एसेट है, तो महिलाओं को, बेटियों को इस काबिल बनाना कि उनको लगे बेटी के हाथ में ही मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी बेटी मेरा ध्यान करेगी, ये जब लोगों में जब तक ये बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारा संघर्ष जो है बेटियों के लिए जारी रहेगा। चुनौतियाँ अब हैं तो आप उससे भाग नहीं सकते हैं। डर लगता है कई बार, अंदर लगता है नहीं हम शायद नहीं हैंडल कर पाएंगे। जब सर पे अपने पड़ती है, जब कोई रास्ता नहीं होता, आप फ्रेंड से, अपने मेंटोर से आप एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन सारे संघर्ष आपको खुद अकेले ही करने पड़ते हैं। आई थिंक उस डर को निकाल कर फ्रंट में आपको ही आना पड़ता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास, कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, मलसा गिरधरपुर नाम के गांव में, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पहले यूनाइटेड उत्तर प्रदेश था, तो आप यूपी भी कह सकते हैं और उत्तराखंड में भी कह सकते हैं। और उसके बाद मेरा स्कूलिंग वगैरह यूपी में एक जगह है खुर्जा के नाम से, वहाँ पर हुई। और उसके बाद हमारे फादर दिल्ली में आ गए, तो ये कह सकते हैं कि बचपन उत्तराखंड, यूपी और ट्वेल्थ क्लास में हम दिल्ली में आ गए। तो मेरा ट्वेल्थ क्लास और कॉलेज दिल्ली से हुआ है। इन तीनों के बीच में मेरी कहते हैं पढ़ाई हुई और बचपन बीता। 5 भाइयों में अकेली बहन हूँ, 3रे नंबर पर हूँ मैं, और उसी का फ़ायदा भी मिला। मतलब बिल्कुल एक लड़के की तरह पाला पोसा गया मुझे, और एक बराबरी का हक मुझे बचपन से मिला। ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई, नॉन कॉलेजिएट से। तो नॉन कॉलेजिएट फॉर्मेट होता है जब आप संडेज को जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा संघर्ष रहा। फादर को काफ़ी बिजनेस लॉस हो गए जब हम 9th-10th में थे, तभी से उनको काफ़ी बिजनेस लॉसेस हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बर्डन नहीं बनना चाहती, अपनी एजुकेशन के लिए मैं आपसे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लूँगी। और मैंने साथ साथ ट्वेल्थ में ही मैंने साथ साथ बच्चों को ट्यूशन्स देनी स्टार्ट करी, और कॉलेज मैंने JDM है, जानकी देवी महाविद्यालय का पूसा रोड पे, वहाँ पे मैंने नॉन कॉलेजिएट से अपनी ग्रेजुएशन करी। और उसके साथ साथ मैंने एक अपने मिलने वाले थे, काफ़ी क्लोज फैमिली फ्रेंड थे, अंकल, उनके साथ में हमने एडवर्टाइजिंग का सीखना शुरू करा, एडवर्टाइजिंग का। तो आई वॉज़ वर्किंग ऑल्सो सेम टाइम में, और सेम टाइम में मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही थी। और उसके बाद मैंने मेरठ से LLB का स्टार्ट किया, लेकिन वो मुझे बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। 19.5 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो जब मैं लॉ कर रही थी तो फैमिली वे में, फिर उसकी वजह से मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई। सेकंड ईयर में मैंने ड्रॉप कर दिया उसको। पहली बेटी 94 में और दूसरी 97 में हुई। मैं अभी सिंगल हूँ, और काफ़ी साल हो गए हमारे डिवोर्स हुए, अलग हुए हुए। वहाँ भी एक स्टोरी है, वहाँ भी काफ़ी संघर्ष का समय रहा, काफ़ी वहाँ भी क्राइसिस रहे जैसे तैसे। एनीवेज 2009 में मेरा डिवोर्स हो गया। बड़ी बेटी सृष्टि है, वो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, PhD कर रही है, शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। एंड यंगर वन 22 ईयर्स ओल्ड है, वो आर्किटेक्चर कर रही है, अभी बॉम्बे इंटर्नशिप के लिए गई हुई है। इस साल दोनों अपनी अपनी स्टडीज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर लेंगी। सृष्टि, सिमरन दोनों मेरी हार्ट बीट्स हैं, और मुझे लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी इनके आसपास रिवॉल्व होती हैं। और उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मॉम आपके साथ में है, और आपके अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार, अच्छा DNA आपके साथ में है। डू बेस्ट, किसी को हर्ट ना करें, और अपने फोकस को बिल्कुल क्लियर रखें, अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर रखें, और बहुत आगे बढ़ें। आप लोग जितना बढ़ोगे, मैं अपने सारे संघर्ष उसको देख के भूल जाऊंगी, और जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और मेरी लाइफ का पर्पस जो है वो अचीव होगा, वो भी लाइफ में अच्छा सेटल हूँ, और जो स्ट्रगल हमें करने पड़े उनको ना करने पड़े। मेरी मदर का नाम कृष्णा रानी है, और मेरे पिताजी जो अभी नहीं हैं, उनका नाम लेट श्री हरकिशन लाल जी हैं। उनका जो बर्थ है वो पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान के मेंटगोमरी क्षेत्र से आए हैं।
जो भी पाकिस्तान से लोग आए थे वो अपनी सब जमीन जायदाद पैसा साधन सब वहाँ छोड़कर आए थे। तो सभी ने बहुत संघर्ष किया हिंदुस्तान में आने के बाद में, और उन्होंने कई बिजनेसेस किए, रेडीमेड गारमेंट्स का फार्मिंग भी किया, फिर उसके बाद में खुर्जा में क्रॉकरी का बिजनेस, DCM का वो थे रिटेल शोरूम था, ग्रासिम ग्वालियर उन दिनों चलता था उसका था। और बहुत कम उम्र से मैं फादर के बिजनेस में एक्टिव रही, क्योंकि हमारे सबसे बड़े भाई को ताऊजी ने अडॉप्ट कर लिया था, तो मैं नंबर 2 में हो गई जो इमीडिएट फैमिली में। तो बचपन से ही मैं शायद 8-9 साल की होंगी तब से मैं बिजनेस में जाती थी, और जब फादर लंच के लिए घर आते थे तो हमें पर आवर 1 रुपी मिलता था, और वहीं से कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की आदत पड़ गई। हम लोग भी बिल्कुल जो सर्वेंट्स होते थे उनको देखते थे, सुपरवाइज करते थे, कैश हैंडल करते थे, तो बचपन से ही एक बिजनेस स्किल जो है वो सीखने को मिली और फादर से मैंने इनहेरिट करी। हमारा परिवार उन लोगों में से था जब टेलीविज़न पूरी कॉलोनी में एका जने के यहाँ ही घर में टेलीविज़न होते थे, कार्स तो दिखती नहीं थी, तो उस ज़माने में हमारे पास कार टेलीविज़न 26 जनवरी 15 अगस्त को तो पूरा कहते हैं ना 100-200 लोग आसपास के कॉलोनी के आते थे, और पूरा कोर्टयार्ड में जो कवर करके एक तरीके से कहते हैं ना पूरा एक प्रोग्राम टाइप का, एंड उस टाइम रामायण महाभारत का ज़माना था, संडे को एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी जब ये शो आते थे। तो उस टाइम में काफ़ी वेल ऑफ फैमिली थी, अनफॉर्चुनेटली कुछ क्राइसिस आए और उसकी वजह से हमें सब कुछ सेल ऑफ करना पड़ा, और सब हम भाइयों बहनों को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली अपना अपना खुद का ध्यान रखना पड़ा। हम लोग राधा स्वामी बैकग्राउंड से आते हैं, और हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन और किसी भी तरह का कोई ऐब होते हैं वो सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं एक्सेप्टेबल होती। मुझे अभी भी याद है जीव हत्या तो बिल्कुल मना थी, मतलब अगर हम कोई मक्खी या मच्छर भी मार देते थे तो हमें बहुत डांट पड़ती थी कि ये भी जीव हैं, इनका भी अपना रोल है, तो आपको किसी को मारने का कोई हक नहीं है। तो वो संस्कार मिले, बिजनेस मिली, अच्छा DNA मिला, एक फादर पेरेंट से अपने अच्छा DNA मिला, हमें किसी को नुकसान मत करिए, झूठ मत बोलिए, ये हमारा बचपन से ही था। तो हमारे फादर पाकिस्तान से सावन सिंह महाराज जी ब्यास के में वहाँ विजिट करते थे, तो एक कहते हैं पूजा पाठ संस्कार, मैं कॉम्बिनेशन हूँ, मैं सब जगह जाती हूँ, मैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा मैं सब जगह जाती हूँ, कि हमारी फैमिली में ज़्यादा गुरुद्वारा और मूर्ति पूजा में नहीं माना जाता, लेकिन मैं पूजा पाठ सब करती हूँ, सब भगवानों को मानती हूँ। आई विल से लाइक मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ और रिलीजियस कम हूँ, मतलब हो सकता है मैं मंदिरों में कम जाऊँ लेकिन स्पिरिचुअल मैं विश्वास करती हूँ कि आप अच्छी ह्यूमन बीइंग हैं, आपको कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, आज जहाँ भी हम बैठे हैं समाज ने दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है हम समाज को रीपे करें, कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम समाज को ने जो हमें दिया उसका कुछ हिस्सा वापस करें। और मैं बहुत कर्मों में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं मानती हूँ कि आज मैंने कहीं किसी का अच्छा किया तो कहीं ना कहीं घुमाकर मुझे मेरे बच्चों को परिवार में वो अच्छाई वापस आएगी। 2002 में मैंने अपनी NGO स्टार्ट करी, विच इज़ विमेंस एसोसिएशन फॉर ट्रेनिंग एम्पावरमेंट एंड रीसेटलमेंट, वाटर नाम है ब्रीफ में। तो उसमें हमने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया, पर्पज़ यही रहा कि जो मेरे अच्छे बुरे अनुभव हैं लाइफ के वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और उसका समाज में महिलाओं में जो मेरे जैसी महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल सके। 25 साल से मैं एडवर्टाइजिंग के बिज़नेस में ही हूं, और कंप्लीट कैंपेन करते हैं हम लोग सब तरह की, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी फोटे है, ऑड इवन कैंपेन जो दिल्ली में हुआ था, देन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स वेरियस क्लाइंट्स लाइक NTPC पावर ग्रिड एंड ऑल, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए हम लोग काम करते हैं, इट्स अ कंप्लीट एडवर्टाइजिंग विच मीन्स 360 डिग्री, चाहे वो डिजिटल हो चाहे आउटडोर हो चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो वो हैं, लेकिन अब मैं ज़्यादा NGO की तरफ डाइवर्सिफाई कर रही हूँ। और हम लोगों ने इन्वायरमेंट फ्रेंडली कपड़े के बैग्स बनाने शुरू किए हैं जिससे कि गांव की औरतों को भी रोज़गार मिल सके, वो लोग भी अपने आफ्टरनून के आवर्स 3-4 घंटे स्पेंड करके 100-200 रुपये पर डे भी कमा लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं अपनी NGO और मेरी एक कोऑपरेटिव है, मैं क्रिप्को फर्टिलाइज़र्स में भी डायरेक्टर हूँ, क्रिप्को फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड में मैं डायरेक्टर हूँ। तो अब हम लोग फार्मर्स के लिए और यू नो क्रिप्को के साथ मिलके गांव की महिलाओं के लिए रूरल सेक्टर में, उत्तराखंड मेरा कार्य क्षेत्र है तो उधर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और उधर काम कर रही हूँ, और एडवर्टाइजिंग से धीरे धीरे खुद को विदड्रॉ कर रही हूँ।
बहुत लोग हैं, एक जने का तो नाम लेना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया, अलग अलग क्षेत्र में बोलूँगी मैं। पॉलिटिकली इंदिरा गांधी से मैं बहुत मोटिवेटेड थी, हम लोग बहुत छोटे थे तो मैं उनको बिल्कुल एक आइडियल की तरह देखती थी। वो कैसे ड्रेसअप होती हैं, कैसे बात करती हैं। उस टाइम में एक मैगज़ीन आती थी सोवियत यूनियन के नाम से, तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करती थी कैसे वो सूट पहनकर कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पॉलिटिकली इंदिरा गांधी जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सोशल की बात करें तो मदर टेरेसा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और कहीं ना कहीं मैं खुद को कनेक्टेड फील करती हूँ। और स्पिरिचुअल की बात करें तो शेरावाली माता जो है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि कैसे उन्होंने अपने अपोनेंट्स का वध किया, कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे एक छोटी सी बच्ची ने एक दुर्गा माता का रूप लिया और कैसे अपने दुश्मनों का वध किया और कैसे समाज की रक्षा करी। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मोटिवेशन रहते हैं। बिसाइड्स दैट यस, गुरु भी रहे हैं हमारे जो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं। तो सबका एक पर्टिकुलर रोल होता है, वो आपका हाथ पकड़ के एक आपको अगले मुकाम तक ले जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई दूसरा जना आ जाता है जो आपको सपोर्ट करता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने मोटिवेट किया, हेल्प किया और सपोर्ट किया। तो जहाँ भी मैं हूँ उसमें उन सबका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अपनी डॉटर्स को ग्रो होते देखना है। उनको देख के जब देखती हूँ कि अच्छा, देखते देखते इतनी बड़ी हो गई हैं और कैसे इंडिपेंडेंटली वो लोग डिसीजन कर रही हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कोशिश की कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा भविष्य दूँ और जो वो करना चाहें उनको फ्रीडम दूँ। आई थिंक मैं अकेली माँ होंगी जिसने कभी भी मार्कशीट को बॉदर नहीं किया, कितने नंबर ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं। मैंने उनको पूरी इंडिपेंडेंस दी, जो तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हें प्ले में पार्टिसिपेट करना है प्ले में करो। बड़ी बेटी इंटरनेशनल स्तर की शूटर रही है, पिस्टल शूटर, काफ़ी स्टेट में उसने रिप्रेजेंट किया है, सिंगापुर में, जर्मनी में और कंट्रीज़ में भी जाकर। छोटी वाली भी एयर पिस्टल चलाती रही है काफ़ी सालों तक। फिर उन्होंने ट्वेल्थ के बाद कहा नहीं, अब हम पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हारा मन है, तुम्हारा शूटिंग का मन है शूटिंग करो, तुम्हारा मन पढ़ाई में। उन्होंने कहा नहीं, हम पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, शूटिंग हम कभी भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो कभी मैंने इन चीज़ों को नहीं रोका। फॉरेन लैंग्वेजेस वो सीखना चाहें, जर्मन सीखी उन्होंने, स्पेनिश सीखी, तो कभी मैंने उस तरीके से रोका नहीं। और मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको अच्छा एनवायरनमेंट दें और उनको एक डिसीजन मेकिंग पावर भी दें जिससे वो जो करना चाहें वो करें और उसे आगे बढ़ें। कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ता है। जब आप डिप्रेस्ड हों, आप लो फील करें, तो आपको खुद रास्ते निकालने पड़ते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है बल्कि अपने ऑफिस के स्टाफ की, अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की, उन सब की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कांट गेट अवे विद इट कि मैं लो फील कर रही थी, मैं आज ये नहीं कर पाई, आज मेरा मूड ठीक नहीं था। मूड नहीं है तो आपको करना पड़ता है, चाहे आप उसके लिए स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लें, चाहे आप पूजा पाठ का सहारा लें, चाहे आप एक्सरसाइजेस का सहारा लें। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड खुद को उन चुनौतियों के लिए खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता है। हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। फोकस्ड एटीट्यूड, मेहनत तो लेबर वाले भी करते हैं लेकिन आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है, अपने आप को कहाँ लेके जाना है। अपने लिए खुद एक बेंचमार्क सेट करना पड़ता है और खुद ही क्रॉस करके उसको और ऊपर बढ़ाना होता है। तो पहला हार्डवर्क, दूसरा फोकस्ड एटीट्यूड, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन। आप सोचें कोई और आके मोटिवेट करेगा तो नहीं करेगा, स्पेशली जो बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन हैं उनके ऊपर कोई डंडा भी नहीं है कि एम्प्लॉयर शाम को टारगेट दिए आपको ये करना है वो करना है, आपको खुद अपने टारगेट फिक्स करने पड़ते हैं। सो हार्डवर्क, सेल्फ मोटिवेशन, अपने गोल खुद फिक्स करना और किसी भी चुनौतियों से नहीं डरना और हार से बिल्कुल नहीं घबराना। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, मूवीज़ देखना अच्छा लगता है और बस फ्रेंड्स के साथ बैठना, रिलैक्स टाइम स्पेंड करना। जब भी हो मुझे लगता है कि अपने क्लोज नेट फ्रेंड्स के साथ बैठें, बातचीत करें, सीखना, टूरिज्म, अलग अलग जगह पे घूमना करना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, ये सब हॉबीज़ हैं। मैं
धार्मिक कम हूँ और आध्यात्मिक ज़्यादा हूँ। तो धर्म, बिल्कुल धर्म आपको मोटिवेट करता है। आप मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, एक अलग तरह की एनर्जी और पावर्स आपको मिलती है, क्योंकि वहाँ इतने लोग मिलके मेडिटेट कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, भगवान आपके अंदर है। अच्छे मन से आप अपनी आत्मा को प्योर करें तो सब कुछ यहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे कर्म करें, लेकिन ये नहीं है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना गलत है। वहाँ भी जाने से स्पेशल पावर्स मिलती हैं। मैं खुद काफ़ी मंदिरों में जाती हूँ, तिरुपति जाती हूँ, वैष्णो देवी जाती हूँ, और कई मंदिरों में। अभी रिसेंटली अयोध्या होके आई हूँ मैं, झांसी के पास एक मंदिर है दतिया में, वहाँ होकर आई हूँ। तो एक अलग तरह की पावर और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वहाँ का एक माहौल ही अलग होता है। तो वहाँ से आप खुद को समझने का और अपने आप से रूबरू होने का अच्छा मौका मिलता है। मैं उत्तराखंड में जनरल सेक्रेटरी हूँ और पहले नेशनल भी मीडिया पैनलिस्ट रही हूँ मैं कांग्रेस में। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जब मैं समाज सेवा से जुड़ी 2002 में, जब मैंने अपनी एनजीओ शुरू करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स में भी आपकी सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है। और हम ये बैठ के कहें राजनीति गंदी होती है, सब लोगों को नहीं करना चाहिए, ये है महिलाओं, अच्छे परिवार के लोगों का नहीं, तो ये गलत धारणा है। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक पॉलिटिक्स भी कैसे प्योर होगी। तो मैं मानती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ी लिखी महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में आना चाहिए, जिससे कि महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम हैं, जो हैरेसमेंट के केस हैं, वो कहीं ना कहीं वो रुक सकें। मैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया में स्पेशल इनवाइटी हूँ। जब सारा कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है, आप देखिए कि कहीं ना कहीं स्लम फेस कर रहा है, कॉपरेटिव ऐसी इंडस्ट्री है जो आज भी पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ रजिस्टर कर रही है। कॉपरेटिव में लोग मिलके काम करते हैं, आप बिजनेसमैन नहीं हैं लेकिन आप भागीदारी हैं। मिलके लोग खेती करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, तो सब के सब ना वो जॉब कर रहे हैं ना बिजनेस कर रहे हैं, वो मिलके एक संगठन के रूप में, एक सहकारित संगठन के रूप में मिलके काम कर रहे हैं। कॉपरेटिव के लिए भी मैं, जिसके लिए हम फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, फर्टिलाइजर्स उनको सप्लाई करते हैं, उनके सॉइल टेस्टिंग कराते हैं फार्मर्स को रूरल एरिया में, कि कैसे उन लोगों को अपनी खेतों से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उपज उगा सके। मैं 8 बजे उठती हूँ एंड उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल म्यूज़िक लगाती हूँ। इतनी देर में मेरी जिंजर हनी टी आती है, उसको पीकर देन फ्रेश होने के बाद मैं डेली नहीं, हफ्ते में 3-4 बार योगा करती हूँ। आई थिंक योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम भी लोग करते हैं, वॉक भी करते हैं, हफ्ते में मैं भी 2-3 दिन वॉक करने जाती हूँ। मैं घर के पास पार्क में वॉक करने के लिए जाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक योगा से जो एनर्जी और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो जिम से बॉडी स्टिफ होती है और इससे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, और काफ़ी इंटरनली एक्सटर्नली दोनों फ़ायदे होते हैं। थोड़ा सा टाइम प्लांट्स के साथ बिताती हूँ, प्लांट से नेचर थेरेपी, एनर्जी लेती हूँ मैं प्लांट से, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले और हमारी नेगेटिविटी प्लांट्स ले सकें। बस उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ थोड़ी देर, पूजा मेरा फिक्स रूटीन है, पूजा करती हूँ और पूजा के बाद मैं ऑफिस जाती हूँ और पूरा दिन ऑफिस में होती हूँ। देन इवनिंग में थोड़ा सोशलाइजिंग, लोगों से मिलना होता है, जिससे उनसे मिलती हूँ हैबिटेट सेंटर या IIC में। एंड 15 दिन महीने में लगभग मैं उत्तराखंड में बिताती हूँ, कभी देहरादून में, कभी ऊधम सिंह नगर में, जहाँ से हमारी NGO चलती है और कोऑपरेटिव चलती है। तो लगभग 15 दिन दिल्ली में होती हूँ, 15 दिन वहाँ होती हूँ। तो दिल्ली में मेरा रूटीन ऑफिस में भी रहता है और बाहर मीटिंग्स होती हैं तो ऑफिस से बाहर भी जाती हूँ। एक व्यक्ति कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा है, 2-3 लोग हैं, एंड मुझे नहीं ठीक कि यहाँ पे नाम लेना चाहिए किसी का, लेकिन काफ़ी लोगों का रहा। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब तक भी मुझे कहीं ना कहीं गाइड करते रहे, काफ़ी मोटिवेट करा। उसके अलावा भी हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं गाइडेंस, रेगुलर गाइडेंस दी और मोटिवेट करते रहे। जहाँ भी आज मैं पहुँची हूँ उसमें मेरे फादर का और हमारे 2-3 जो फैमिली फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी
गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे, उनका बहुत बड़ा रोल है। फिल्में अच्छा है, फिल्म बिल्कुल बहुत प्रभाव डालती हैं और समाज से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती हैं। पीपली लाइव मेरी फेवरेट फिल्म है, जिसमें वो एक किसान की आत्महत्या को लेकर पूरी फिल्म उसके अराउंड रिवॉल्व होती है। थ्री इडियट्स बहुत अच्छी फिल्म है, जिन्होंने पढ़ाई के प्रेशर को लेकर बताया है कि जो बच्चे करना चाहें उनको उनका अपना करियर चुनने देना चाहिए, ना कि माँ बाप को अपनी एक्सपेक्टेशंस और आकांक्षाओं के हिसाब से कि नहीं मैं डॉक्टर ही बनना है, नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। सभी को मुझे लगता है फिल्मों से कुछ ना कुछ ज्ञान, फैशन ट्रेंड ले लें या क्या चल रहा है सोसाइटी में, उसके बारे में एक आईना देखने के लिए फिल्में देखनी ज़रूरी हैं। आमिर खान फेवरेट एक्टर हैं, क्योंकि हम जब वो एक्टिंग करते हैं तो हमें आमिर खान याद नहीं रहता, हमें वो कैरेक्टर आ जाता है, चाहे वो यंग का करें, चाहे वो जो भी एक्टिंग करते हैं, चाहे वो किसान बनते हैं तो किसान दिखते हैं। आई थिंक इज अ वेरी नेचुरल एक्टर एंड वो उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं पूरी तरह से, उसके हिसाब से वर्किंग करते हैं। मैं एक मूवमेंट पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है अब है मेरी बारी। ये महिलाओं के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन को लेकर है कि कहीं ना कहीं आज इस समय मैं कहूँगी कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा में हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन एमपीज़ हैं, विच इज़ अराउंड 15%, लेकिन अभी भी बहुत कम हैं। यानी कि 70% महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारी लोकसभा राज्यसभा में नहीं है। तो महिलाओं को पोलिटिकल पार्टीज टिकट दें, उनको चुनाव लड़ने का मौका दें, इसके लिए मैं मूवमेंट चालू कर रही हूँ बहुत जल्दी ही। और विभिन्न पार्टियों से ये मांग करी जाएगी कि आप वॉलंटियरली, आप रिजर्वेशन की वेट ना करें, आप ये वेट ना करें कि संसद कब रिजर्वेशन बिल पास करेगा, महिला आरक्षण बिल पास करेगा। उनको वॉलंटियरली स्वेच्छा से महिलाओं को टिकट देनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। जो कि एक्टिव महिलाएँ हैं, जो अपना काम करती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको मौके देने चाहिए। जीवन एक बॉडी है, मैं मानती हूँ कि आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा के कई जन्म होते हैं। जीवन हमें एक अपना रोल देने के लिए किया गया है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं पैदा हुई हूँ क्योंकि मेरी बेटियों को पैदा होना था, मेरी माँ पैदा हुई है क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म देना था। तो सबका एक रोल है। एक मैं ऑफिस चला रही हूँ क्योंकि मेरे अंडर जो 25, 30, 40 लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट मेरे से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा कनेक्शन है। हम लोगों को सबको एक स्पेसिफिक रोल के लिए भेजा गया है, एक काम करने के लिए भेजा गया है, और जब हमारा रोल ख़त्म हो जाएगा भगवान हमें अपने पास बुला लेंगे और इस शरीर का नाश हो जाएगा। युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगी फिटनेस पे भी ध्यान दें। अब बहुत ज़्यादा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के गुलाम बन के ना रहें, बाहर भी दुनिया है, बाहर निकलें। पहले की तरह गुल्ली डंडा और क्रिकेट और वो जो लोग खेलते थे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, खुद को मोटिवेट करें, किसी भी नशे से दूर रहें, चाहे वो ड्रग्स का हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, उससे दूर रहें। क्योंकि आप फिज़िकली फिट होंगे तभी आप मेंटली भी फिट होंगे, और फिज़िकल और मेंटल फिटनेस सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संघर्ष का कोई एंड नहीं होता। मैं कहूँगी अच्छा पढ़ाई करें, अच्छे संस्कार के साथ। हमारी जो इतनी बड़ी धरोहर है एज ए इंडियन, हमारे जो योग हैं, पुराण हैं हमारे, जो उनसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन लें और वेस्टर्न वर्ल्ड से उतना ज़्यादा प्रभावित ना हों।